सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबकी इतनी डिमांड की वजह से मैंने मिराकुलस लेडीबग का पार्ट 2 लिया है, आई मीन टॉप 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट मिराकुलस टेल्स ऑफ लेडीबग। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही फ्यूचर की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कैटनोआर को फ्रेंच में चैटनोआर बोला जाता है और चैटनोआर का मतलब होता है ब्लैक कैट। एक एपिसोड था जिसमें कैटनोआर अकुमाटाइज हुआ था, उस एपिसोड का नाम है चैट ब्लैंक और चैट ब्लैंक का मतलब होता है वाइट कैट। फैक्ट नंबर 2, अगर आप मिराकुलस लेडीबग के फ़ैन हो तो आपको कॉमी मतलब तो पता ही होगा, कॉमी होते किस लिए मिराकुलस लेडीबग में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर क्या आपको पता है कॉमी वर्ड आया कहाँ से? कॉमी वर्ड एक चाइनीज़ वर्ड से आया है कॉन्टिक कामी और इसका मतलब होता है गॉड। फैक्ट नंबर 3, मिराकुलस लेडीबग एक ओरिजिनल आइडिया है लेकिन इसके कई रेफरेंस मैनी अदर मूवीज़ और शोज से मिलते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, कैट वूमेन, ड्रैगन बॉल जेट और मैनी अदर्स। क्या आपको नहीं लगता ये करेक्टर कुछ ज़्यादा ही मैच हो रहे हैं? आपको इनमें से कौन सा करेक्टर सबसे ज़्यादा मैच होता लगता है, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है थॉमस अस्ट्रूप को मिराकुलस लेडीबग में सारे करेक्टर अच्छे लगते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा वो जैगर स्टोन को प्रेफर करते हैं, मतलब कि उनका फेवरेट करेक्टर जो है मिराकुलस लेडीबग में जैगर स्टोन है। तो आपका मिराकुलस लेडीबग में फेवरेट करेक्टर कौन है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हर एक मिराकुलस जो मिराकुलस लेडीबग में है वो एक एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि लेडीबग का मिराकुलस लेडीबग को रिप्रेजेंट करता है और कैटनोआर का कैट को और रीना रेज का फॉक्स को, वैसे ही सारे मिराकुलस एक एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है एड्रियन के नाम का मतलब क्या होता है? एड्रियन के नाम का मतलब होता है अ डार्क वन ग्रेलिंग बटरफ्लाई और इसका हिंदी मतलब होता है एक गहरे भूरे रंग की तितली। ये जो मैं अभी आपको एक फैक्ट बताने वाली हूँ ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है, ये आपका दिल खुश कर देगा। तो फैक्ट नंबर 7 ये है कि एड्रियन के जो पेरेंट्स हैं डिज़ाइनर और मॉडल है, इसीलिए एड्रियन भी मॉडल है और आपको तो पता ही होगा मैरिनेट भी एक डिज़ाइनर है, तो ये लोग पहले से ही एक दूसरे के लिए बने हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है मैरिनेट जो है वो राइट हैंडेड है पर एनिमेशन एरर के कारण उसे लेफ्ट हैंडेड दिखाया जाता है, कितना अजीब है ना। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है मैरिनेट के पास उसका बैग है, उसका पर्स है और उसकी खुद की डायरी है, वो सारी चीज़ें मैरिनेट ने खुद से बनाई है और मैनी अदर्स आपको उसकी रूम में दिख जाएगी, वो भी उसने खुद ही से बनाई है, मतलब अपनी मैरिनेट कितनी क्रिएटिव है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है फ्लैग मतलब होता है फ्लैग यू और टिकी मतलब होता है हैप्पीनेस और दोनों ही सुपर हीरोज़ की तरह अलग है, मतलब कि मैच ही नहीं होते एक दूसरे से, उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सो प्लीज़ कर दो यार। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा मतलब है कि मिराकुलस फैक्ट वीडियो, तो कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको ये सीरीज़ पसंद है और अगर आपको क्विज़ वीडियो चाहिए तो मैं क्विज़ भी बनाती हूँ, तो अगर आपको क्विज़ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।